तो ये हमारे घर के बाहर है, आप लोग देख सकते हो। और ये है, और ये है हमारे, ये बिल्डिंग का गेट है। तो हम, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे सबके घर में एक सिक्योरिटी। सो ये इंटरकॉम दिल्ली में सबके घर में होते हैं, आप लोगों को पता होगा जो जो दिल्ली में रहता है घर में होता है। तो ये यहाँ से मैं हमारे रूम का बेल बजाऊंगी, तो वहाँ से मेरे दीदी खोलेंगे घर। तो आप देखना, इसमें आवाज़ भी आते हैं, ऊपर से कोई आवाज़ बात करते हैं तो उसका भी आवाज़ आता है, आप देखना भी। हाँ, ये दिल्ली में सबके घर में होते हैं, वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है। मैंने बजा दिया। हेलो, ए खुली है, खुली है, ओपन द गेट। ओके, या खुल गया, रख दो। या तो यहाँ पे ऊपर से गेट खोला और ये खुल गया, तो ये खुला था। इसका जो लॉक होता है ना, ये ऊपर से होता है, तो ये खोल लिया। तो अभी हम जाएंगे अंदर, ऊपर से खुलने के बाद हम लोग ये अंदर जाएंगे। मैं बता रही हूँ कैसे ऊपर से खोला, किसी किसी को जानने की इच्छा हो सकता है। तो ये है इसका अंदर, ओह माय गॉड, मैंने जोर से धक्का दे दिया। इधर से ऐसे लॉक लगा हुआ अंदर से, ठीक है। तो ये लोग ऊपर से खुलते हैं सब। एंड ये है गाड़ी का पार्किंग, और यहाँ पे मेरा गाड़ी का पार्किंग भी अटैच्ड है, मतलब है मेरा फ्लैट में। जब मैंने फ्लैट लिया था तो यहाँ पे पार्किंग मुझे दे गया था। तो फिलहाल तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, दिल्ली में मुझे गाड़ी चलाने के लिए बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने अभी तक गाड़ी ख़रीदा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही गाड़ी के बारे में सोचूंगी मैं। तो यहाँ पे मेरा पार्किंग है, ये पार्किंग एरिया, दिस इज पार्किंग एरिया। और हमारे यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो हमारा ये स्टेप है, इसमें लिफ्ट बन रहा है अभी, तो इसलिए हम लोग को अभी के लिए तो स्टेप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं अपने रूम पे, हमारे फर्स्ट फ्लोर में है, तो आ गए हम। और ये है सिक्योरिटी, यहाँ पे दिल्ली में सबके घर आपको ये सिक्योरिटी के साथ ही मिलेगा। ये लोहा का है, तो ये सेफ्टी रहता है। और मैंने यहाँ पे एक ब्लेस्ड होम लगा के रखा हुआ है, तो अभी ये खुलेंगे। हेलो, हाय, वेलकम टू माय हाउस, दिस इज माय स्मॉल आशियाना। सो गाइस, पहले ये दरवाज़ा बंद कर लो, तुम अंदर आ जाओ। सो गाइस, दिस इज माय स्मॉल आशियाना, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो मैं अपने स्मॉल आशियाना दिखाना चाहूँगी आपको, बहुत छोटा सा आशियाना है मेरी। तो पहले जो मैं आपको बोल रही थी कि नीचे इंटरकॉम जो सबके घर पे लगा होता है दिल्ली में, हर किसी के घर में होगा, ये सिक्योरिटी की वजह से है, क्योंकि बार बार नीचे नहीं जा सकते, और कोई मोटर वोटर बाहर लगाया होता है ना आप लोग का जो कार पार्किंग एरिया में, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए ये सब घर में ये इंटरकॉम लगाया होता है। तो मैंने नीचे जो पार्ट दिखा दिया आपको, और वो जहाँ पे मैंने प्रेस किया था, तो जब प्रेस किया तो यहाँ से आवाज़ आता है, वो मैं आवाज़ का आपको, वो बेल की तरह ही आवाज़ आता है, बेल होता है। तो ये ऐसे उठाता है इसको, तो इसको ऐसे उठाता है, और यहाँ से कान लगाने से मेरा आवाज़ बाहर नीचे जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग इसको, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे जो ये है ना, ये लॉक खोलने वाला, इसमें कुछ ऊपर वाला नीचे वाला दोनों काम करता है। इसमें एक ऐसे दबा देने से नीचे, ये दबा देने से नीचे खुल जाता है दरवाज़ा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी, ये है लिविंग रूम मेरा, मेरी छोटा सा लिविंग रूम है। तो इसमें तो मैं आपको बताती हूँ, ये सोफा, छोटा सा सोफा मैंने रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे ये सब सामान रखा हुआ है, खाने का सब कुछ खाने का ही है। और मैंने
फ्रिज के ऊपर, फ्रिज का कुछ स्टिकर आता है, मैंने वो नहीं लगाया, बहुत मैसी लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये वाला मैंने ये फ्रिज में लगा दिया है। मतलब भगवान का जो वर्ड्स होता है सुबह सुबह, मतलब एनी टाइम दिखने से अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो मैं फ्रिज नहीं खोलूंगी क्योंकि फ्रिज बहुत मैसी है। उसके बाद आप लोग तो ये देख लिया, यहाँ पे भी मैंने ये रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये दिख रहा है क्या, मैं जो हाथ पे पॉइंट कर रही हूँ। अच्छा ये, और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरा ये जो वॉल पेपर है दोनों के दोनों चेंज होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ उन दोनों से बहुत। मुझे ऐसा लगता है मैं जंगल में हूँ, तो पता नहीं वो लोग ने क्यों लगा के दिया, जब मैं ये फ्लैट खरीद रही थी तब भी वो लोग ने लगा के दिया, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। वैसे लाइटनिंग ठीक है ना, अफो लाइट ठीक है ना, ये भी चलाना पड़ेगा ट्यूब, ठीक है ओके। तो ये इसके बारे में आपको बता दिया, और इसमें एक क्यूट सा मैंने कुछ रखा हुआ, देखो ये जो है ना, ये बहुत क्यूट है ना, पता नहीं आप लोगों के घर में है कि नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खाना खाने का टाइम में मतलब इसमें रखते हैं ना, तो गिरते नहीं है ये, मतलब अच्छा लगता है, इसमें खाना रख के खा सकता है आराम से। और आपको अभी दिखाती हूँ, तो मैं अभी ये वाला पोर्शन दिखाती हूँ आपको मेरा सबसे कोजी पोर्शन ये है, मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये मैंने ही सजाया है। यहाँ पे थोड़ा नजदीक आना, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है क्या बोलते हैं इसको, डोनट का, और ये वाला सबके घर में डेकोरेट ये तो रहता ही है, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, मैंने इसको मंगाया था, तो ये भी है इधर। और मेरा बड़ा सा टीवी, ये टीवी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इससे भी बड़ा टीवी रखना था, लेकिन ये जो बिल्डर ने जो ये बनाया है ना टीवी का, ये बहुत छोटा बना दिया, तो मुझे उसके हिसाब से ये इतना वाला साइज का टीवी लेना था, तो ले लिया। और यहाँ पे मैंने फूल ऐसे सजा के रखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे कुछ कुछ आएंगे छोटा छोटा बाद में, और यहाँ पे टुलिप, और उसके बाद क्या, ये मेरा सेक्सी सा फोटो है, मैंने OMG से मंगाया था आप लोगों को, मैंने लास्ट टाइम आई थिंक मेरे रील्स में होगा, मैंने रील्स में बनाया था इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग ने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना प्लीज। तो मेरे लिविंग रूम का जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एक पार्ट है मेरा, तो मेरे जो मेरे लिविंग रूम में ये जो झूमर देख रहे हो आप, मुझे ये झूमर बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कलर चेंज होते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक कलर है, दो कलर है, ये तीन कलर है, दो और दोनों मिक्स है, ये दूसरा कलर है, इसके लिए मुझे अच्छा लगता है, ये कलर चेंज होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक स्पेशल पार्ट दिखाना तो आपको भूल गया, ये जो है ड्रीम कैचर, ये मैंने सरोजिनी से लिया था, एंड आप यहाँ आ सकते हो इधर, ये जो मेरा यहाँ पे मेरा फोटोस है, ये मम्मी है, ये मम्मी और ये बड़ा वाला ब्रदर और ये छोटा वाला ब्रदर, और वो है मैं सेक्सी सा। चला तो अभी हम चलते हैं किचन पे, मैं किचन पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हॉल के बाद किचन, हॉल के साथ किचन अटैच्ड है, तो पहले इसका खत्म करते हैं उसके बाद बेडरूम में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किचन है क्यूट सा, पता नहीं बहुत मैसी है, तो मैं आपको दूर से दिखा दूंगी। यहाँ पे बहुत सारे कप्स रखा हुआ है, आपको दिखा सकते हो ये पार्ट, ये कप्स है, इधर में भी मैसी है लेकिन दिखा देती हूँ, ये सामान रखा हुआ है पे। तो ये छोटा सा किचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे स्पेशली मेरे मम्मी को बहुत पसंद है मेरे किचन, और यहाँ पे मैंने ये रख दिया है देखो, और इसमें फूल था लेकिन मर गया, तो इसमें दूसरा वाला फूल लगाना पड़ेगा मुझे, सो थोड़ा मैसी है किचन, सॉरी। तभी हम लोग जाते हैं मेरे गेस्ट रूम में, उसके बाद लास्ट में मेरा रूम, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे अभी गेस्ट रूम में, चलो चलते हैं। यह मेरा गेस्ट रूम, ये मैंने कभी, मैं इस बिस्तर पे कभी सोया नहीं है, ये गेस्ट के लिए है, तो वैसे बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पे भी आराम से सो सकता है। तो ये मैंने गेस्ट के लिए बेड लिया था, तो आप यहाँ से दिखा सकते हो ये इधर व्यू से, तो ये ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा रूम है, तो ये गेस्ट का बेड है, मुझे ये बेड, मेरे बेड से ज्यादा मुझे ये बेड बहुत पसंद है, ये इसका डिजाइन था। तो
और यहाँ का वॉलपेपर तो सही है, अच्छा है, मुझे यहाँ का वॉलपेपर अच्छा लगा। और ये मेरा कपड़ा है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपने छोटे कपड़े रखे हुए। यहाँ पे फिलहाल मेरा सिस्टर रह रहा है, तो वो बहुत गंदी से रह रहा है, देखो ना, साफ सुथरा भी नहीं किया उसने, उसने रूम को साफ भी नहीं किया, उसको पता है मैं आज रूम तोड़ करने वाले, फिर भी साफ नहीं किया उसने। तो ये छोटा सा रूम गेस्ट रूम है, ये अभी टॉयलेट है, ये टॉयलेट खुलेंगे नहीं क्योंकि मुझे टॉयलेट दिखाने में अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरा वाला टॉयलेट दिखा दूंगी, ये वाला नहीं। ओके हम अपने यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, वैसे बेड है और ये है और कुछ नहीं है। तो मैं चलते, तो अभी हम चलते हैं मेरे बेडरूम में। मेरे बेडरूम में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट मुझे लास्ट में दिखाना था तो वो इसीलिए। चलो तो हम जाते हैं मेरे रूम पे, चलो टाडा, ये है मेरे रूम। अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ, बहुत बहुत ही सिंपल है, इतना मैं हाई फाई जिंदगी नहीं जी रही हूँ, आई एम लिविंग वेरी सिंपल, सो आई एम वेरी सिंपल, सो आई एम लिविंग इन ए वेरी सिंपल हाउस, स्मॉल बट वेरी क्यूट। तो आपको बताती हूँ, ये है मेरा बेड, तो इसमें मैंने इसका डुवे नहीं रखा हुआ है क्योंकि आजकल गर्मी है, तो मैं मुझे डुवे की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आओ मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चिप्स यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हम दोनों को आदत बहुत खराब है, दीदी और हम दोनों को जब हम दोनों को रात में भूख लगती है तो हम लोग उठ के ये सब खाते हैं, तो इसलिए खाने का सामान बिस्तर के सामने होना चाहिए, इसलिए मैंने रख दिया है। एंड ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको भी यहाँ पे रख दिया, सजा दिया है। ऊपर बहुत मैसी से लग रहा होगा आप लोगों को, सॉरी। यहाँ पे मैंने रखा हुआ मेरा हेयर ड्रायर और फोन स्टैंड रखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा मेकअप रखा हुआ है। यहाँ पे आ सकते हो तुम, मैं वॉच दिखाना चाहती हूँ, मेरे तीनों वॉच यहाँ पे रखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब मेरे को बाहर जाना होता है तो मेरे को जल्दबाजी में पहनना होता है, तो मेरे आंखों के सामने होता है, तो मैं भूलती नहीं, जब अंदर घुसा के रख देती हूँ, तो मुझे इधर नहीं घुसा के रखती, उसका अलग से डब्बा में रखता है, लेकिन मैं वहां पे नहीं रखती और यहाँ पे रखती हूँ ताकि मैं जल्दी से पहन लूँ, उसको भूल ना जाऊँ। और ये अंदर गंदा है, लेकिन दिखा सकते हो। यहाँ पे मेरा बैग्स रखा हुआ है, मैं बैग्स और कुछ चीजें यहाँ पे रखती हूँ। ये सब मेरा सनग्लासेस है, मैं सनग्लासेस ज्यादा नहीं पहनती लेकिन मुझे कलेक्शन अच्छा लगता है, तो मैंने सनग्लासेस रखा हुआ है यहाँ पे। और ये फेशियल का सामान है, यहाँ पे दिखा सकते हो, तो ये फेशियल का सामान है, ये फेशियल का सामान मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे घर में खुद का फेशियल करना अच्छा लगता है। एंड मैं इसको भी आपको एक व्लॉग दूंगी, फेशियल करते हुए, मैं खुद को फेशियल करते हुए भी आपको एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जल्दी लेके आऊंगी। यार ये क्यों नहीं बैठी, लेट इट बी। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग तो, एंड मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मेरा आईब्रोज लिप लाइनर सब यहाँ पे रखा हुआ है, ये पे रखा हुआ है, और यहाँ पे मेकअप रखा हुआ है मैंने, तो खूब सारा मेकअप है, बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं नहीं निकालूंगी, ऐसे रख दो। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है मेरा हेयर कटिंग का सीजर और पेपर्स कुछ, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है टारा, जब मेरा कोई क्लाइंट होता है हेयर कलर करने के लिए, तो मैं मेरा जो भी सामान होता है सब मैं यहाँ पे स्टॉक करके रखती हूँ, तो उसके लिए है। एंड देन ये मेरा चेयर, ये है मेरा चेयर। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मुझे अगर वो वीडियो एडिट करना हो, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे मेरा एक टेबल होता है वो लगा के मैं आराम से काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये चेयर रखा हुआ है, तो ये भी बहुत यूजफुल है। और अभी चलते हैं मेरे कबर्ड की तरफ, तो ये मेरा कबर्ड है, ये कबर्ड मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, आई एम सॉरी क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, सब मैसी है, तो ये खोल के नहीं दिखा सकता आप लोगों को, लेकिन ठीक है। और ऊपर पूरा सामान रखा हुआ है मैंने,
और ये वाला स्वीट वाला पार्ट ये दिखा सकते हो, ये मेरा बेड के सामने जो रखा हुआ है, ये आप लोग सोच सकते हो ये रात में बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक कैंडल्स रखूँ, तो उसके लिए अभी मैंने कैंडल्स ऑर्डर किया नहीं है, जल्दी करूँगी। एंड यहाँ पे ये दिखा सकते हो, थोड़ा मैसी है लेकिन दिखा सकते हो अच्छा सा। ये देखो मैंने ये रखा हुआ है, ये मेरा एलेक्सा है, और ये यहाँ पे मैं अपने चप्पल रखती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सब यहाँ पे रख दिया जबरा की तरह। तो ये मेरा चप्पल रखने का रैक है, मुझे ये रैक बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं खरीद के लेके आई तो मुझे इतना खास नहीं लगा, बहुत ही हिलते हैं ये, बहुत हिलते हैं दुलते हैं। तो गाइस इतने थे मेरे रूम का टूर। तो आप आ जाओ बाहर, कार्टेंस का कुछ बताए। तो यहाँ पे मैं एसी तो दिख रहा है आप लोगों को, एसी मैंने लगवाया है, समर जब आया था तभी लगवाया था। तो दिल्ली में आप लोगों को पता है कि बिना एसी तो कोई जी नहीं सकते, तो एसी होना चाहिए। और ये कार्टेंस मैंने नया लगवाया है, पहले कुछ और था वैसे। सो चलते हैं, इतना ही है, कुछ खास नहीं है मेरे रूम में। टॉयलेट देखना चाहोगे, वॉशरूम देखना चाहोगे, दिखा देते हैं चलो। मेरा टॉयलेट, वॉशरूम, मेरे वॉशरूम में सबसे बेस्ट क्या है, ये दोनों और कुछ नहीं, मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हो, ये दोनों और कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे, बस ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। और वैसे ये धरती, ये है, कुछ कपड़े भी गाया हुआ है सब में, मेरे यूनिवर्स इतना सारा आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है चलो, ये है वॉशरूम, इसका भी बंद कर दो। सो गाइस आज के लिए इतना ही है, मेरा घर में ऐसे कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाने के लिए नहीं था, आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये दिल्ली का घर था तो मैंने दिल्ली का घर का टूर दिखा दिया आप लोगों को। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं घर जाऊंगी, पता नहीं, ये गुड न्यूज आप लोगों को मैं जल्दी दूंगी, मैं घर कब जा रही हूँ तो वो उसका नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट टाइम घर जाऊंगी तो आप लोगों को मेरा दिमापुर वाला घर का भी टूर जरूर दूंगी, और ये वाला घर तो दिल्ली का है, आप लोग तो जानते ही है। तो अगर आप लोगों को ये रूम का टूर अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो जो ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे उन लोगों के लिए बिग पुची, lots of love, bye bye, take care.